ये गाड़ी फ्लोप है इंडिया में मेरे हिसाब से, पहाड़ों के अलावा मैंने नीचे तो कहीं देखे ही नहीं। तो कम से कम चार ट्राई के बिना गियर नहीं लगेगा आपका बैक गियर तो? खट 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 खट, थोड़ा पीछे वाले में सेंसर नहीं है। हाँ। पीछे वाला अगर कोई बंदा बैठा हो चाहे ना बैठा हो, आपको सीट बेल्ट लगा के रखने पड़ेंगे, वरना टू 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 करती रहती है। ये देखो ये गियर कैसा लगता है भाई, गियर गियर उस सीट बेल्ट पाएंगे? बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब कि बहुत ही स्मूथ है भाई, समझ गए ना। तो इतनी मस्त जगह आकर रुक गए, एक जिमनी और खड़ी है। अरे जिमनी कोई गाड़ी है यार, मतलब कोई बुरा मत मानना, ऐसे लगती है यार, वैगनार थोड़ी सी हवा फुला दी हो। अरे छोटी लगती है रोड पे चलते हुए यार, कोई ऑफेंड मत हो ना, पर्सनल ओपिनियन नाम की चीज़ होती ना, बस वो यहाँ आराम से बैठे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम फन रिलैक्स। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। अभी मैं भाई, आपने लास्ट वीडियो में देखा हो तो वहाँ पे खड़ा खड़ा बोल रहा था ना कि जिमनी कैसी लगती है भाई, मतलब कौन है इसको। तो भाई मतलब सच में बोल रहा था मैं कि यार ये क्या खड़ी है। अब आप एक चीज देखो यहाँ, ये कितनी ह्यूज लगती है, जिमनी कितनी बालक सी लगती लग रही है भाई इसके सामने। आज हम बात करने वाले हैं भाई जिमनी के बारे में। हम वहां से खड़े खड़े ऐसे कह रहे थे भाई जिमनी खड़ी है, तो हम ऐसे ही आए, मतलब इतना रैंडम तो हमको मिले भाई, आप मतलब मानोगे नहीं। अरे भाई भाई दीपांशु सांगवान भाई, नोमेडिक इंडियन भाई, कैसे हो भाई, सुनाओ पहले तो। बढ़िया भाई, एकदम भाई लद्दाख घूम रहे हैं यार, और हमको पता ही नहीं कितने डम्ब हो सकते हैं भाई साहब हम लोग। अरे ना, क्या ना, बोले ना। तो आपकी भाई जिमनी, मर्द जिमनी भाई, एक बात बताओ, आप तो इंटरनेशनल घूमने वाले हो, इंडिया में यहाँ क्या कर रहे हो भाई? गाड़ी में एक बार थोड़ा घूमना इंडिया को, अपनी गाड़ी में है ना? अपनी गाड़ी में, ये पहली गाड़ी है मेरी, है जिंदगी की पहली गाड़ी मेरी जिंदगी। घर वालों के पास है स्कॉर्पियो, हाँ, पर यार अपनी नहीं है वो, मतलब ये मेरे खुद के पैसों से लिया, जो भी लिया। तो ये मतलब पहली गाड़ी ली, वो भी जिमनी ले लिया आपने? हाँ भाई। तो कितने दिन पहले लिया भाई ये? भाई मैंने ली थी 14 अगस्त को। हाँ। और 24 अगस्त को इसका एक्सीडेंट हो गया था, एक महीने शोरूम पे खड़ी रही थी। अभी 2 महीने हुए मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, 10 दिन में भिड़ गई थी गाड़ी, एक ट्रक वाला ठोक ठाक के चला गया था। उसने मारा, आपने मारा? वो मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा कि क्या सीन हुआ। तो ये आगे से लगी थी भाई? नहीं, इधर लगी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हाँ। पूरी डोर चेंज हुई है। हाँ। इधर लगी थी, ये देखो इसके ऊपर थोड़े बहुत निशान अभी भी बचे होंगे ये वाले, क्योंकि ये तो बाद में चिपका दिया था ऊपर से। तो मैं ये सुन के हैरान हूँ कि ये मैंने इसे पूछा भाई, एक साइड लग गई और एक महीने लिए मारुति वालों ने? भाई वो तो मैं इनके पास चला गया, मैं उनके जाके बोला कि भाई मुझे दे दो, वरना मैं आज यहाँ से जाऊंगा नहीं। उन्होंने कम से कम 3 या 4 बार मेरे को टाइम दिया। हाँ। मैं उनको गाड़ी देके गया। हाँ। फिर मैं दुबई चला गया, मैंने उनसे बोला कि जब आप बोलोगे तभी मैं वापस आऊंगा दुबई से, वरना नहीं आऊंगा। वो बोलते ठीक है सर आ जाओ। हाँ। फिर आज के मैं जब पहुंचा, वो बोलते कि सर क्या हो गया है कि G20 चल रहा है तो इसलिए सामान नहीं आया। मैं कोई बात नहीं, फिर मेरे घर वालों के पास रायपुर चला गया, अभी फैमिली रायपुर शिफ्ट हो गई है। फिर मैंने बोला कि चलो बताओ गाड़ी ठीक हो गई, बोलते सर आप 2 दिन में आ जाना। हाँ। मैंने रायपुर से टिकट करवा ली। हाँ। रायपुर से आने के बाद भी 1 हफ्ता लगा दिया, और उस दिन मैं शोरूम में ही नहीं बोलता ना। हाँ। जीएम को कि भाई या तो मेरे को गाड़ी दे दे, मतलब मैं जाऊंगा ही नहीं। तब उसने गाड़ी दी, और वो भी जैसे ये वाले ये टूट गया था, ये टूट गया था, ये टूट गया था, ये तो पूरा पैनल ही चेंज हुआ है। उन्होंने बोला कि पार्ट्स आ गए हैं, ये वाला नहीं आया था, मेरे को गाड़ी के लिए बुला लेगी, गाड़ी ले जाओ, ये वाला लगा ही नहीं रखा था। अच्छा जी, इतने ढीले हैं मारुति वाले, इतने ढीले। और भाई ये ना फिर पता है क्या किया है, हाँ। शोरूम के अंदर एक और जिमनी खड़ी थी, मैंने बोला भाई इसके निकाल के लगा दे, चाहे मेरे को आज गाड़ी लेके जानी है। तो उन्होंने शोरूम के अंदर जो जिमनी खड़ी थी ना, उसका उतार के ये वाला लगाया है। ऐसे भी कर देते हैं भाई ये लोग। भाई किया है देख लो। ये तो भाई ना बहुत तगड़ी चीज बताइए, नई जिमनी से। हाँ, नई जिमनी से भाई, और उसमें किसी और का लगा देंगे और उसको किसी को भेज देंगे। उसको क्या करेंगे, वो कोई और आएगा उसका भेज देंगे। भाई मैं ये बातें नहीं बताता मैं। हाँ। यार क्यों बेचारे यार कंपनी बदनाम करना, लेकिन यार 1 महीना उन्होंने मेरा इतना टाइम बर्बाद किया है ना यार, और हर बात में झूठ बोला। नहीं तो मैं दुबई में लंबा रह लेता, नहीं घर वालों के पास लंबा रहता, दिल्ली में मैंने 1 हफ्ता मराई है अपनी। अच्छा चलो, ये गाड़ी की बात हो गई, गाड़ी की तो हम बहुत बातें करते रहते हैं। हाँ। मतलब मैं आपसे दीपांशु भाई से थोड़ा जानना चाहता हूँ, मतलब पर्पस कैसे मूड बनता है इतना ज्यादा घूमने का, हम कुछ छठे चौमा से निकल जाते हैं। हाँ। तो आपको मतलब मोटिवेशन से कैसे आती है कि बाहर भीतर रहो, जैसे घर वाले ऐसे नहीं कहते कि भाई इतना क्यों घूमता है? घर वाले ऐसे कुछ नहीं कहते, घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव रहे पहले यार। हमारे तो ना मतलब ऐसे, जैसे हम मनाली गए, मनाली में फोन आ गया भैया बहुत घूम लिया, उल्टो आ जा करके। जैसे मैंने बोला कि अब मैं घूमने जा रहा हूँ हल्ले वाले साइड, और वो सब 5 दिन घूमूंगा मैं अकेला। हाँ। 5 दिन नेटवर्क वेटवर्क आएगा ही नहीं, तो घर वालों को बोलते कि 5 दिन मैं ऐसे ही रहूंगा, रेंज वेंज नहीं आएगी, तो आप देख लेना भाई। देख रहे हो ये प्योर मतलब वो ट्रैवलर बंदे होते हैं ना, जिसमें नोमैड एक नाम आ गया। नोमैड होता क्या मतलब, इस नाम का मतलब बताना भाई। नोमैड मतलब जिसका घर नहीं होता। अच्छा, जा रहे। और मतलब आप अकेले, मतलब एक देखो हम जैसे हम बाहर हैं, हम भाई बिना ग्रुप के नहीं चल सकते।
आपका अकेले घूमने, आप जैसे लद्दाख घूम रहे हो अभी अकेले, कैसे मतलब यार मन कैसे लगता है भाई थोड़ा? अब जैसे मैं, मेरा तो मन है कि यार मैं कैंपिंग वैम्पिंग करूंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब की बार मेरी फट भी रही है। मैं नॉर्मली गाड़ी, जैसे न्यूजीलैंड में गाड़ी रेंट की थी मैंने, उसी में ट्रेवल किया था, तो मैं गाड़ी के अंदर ही खाना बनाता था। लेकिन अब मैंने गाड़ी के अंदर 55 लीटर तो तेल पड़ा है इसके अंदर, और 7 सिलेंडर वो बुटेन वाले पड़े हैं। अगर थोड़ी भी चिंगारी फट गई ना, पटाखा बन जाएगा इसका। मारुति वैसे भाई, ये देखो ये वाला, देखो इधर आओ, ये एक जरिकन है 35 लीटर का। और ये सब सामान, ये सब सामान मतलब पूरा घर लेके चलते हो अब साथ में? हाँ भाई। तो इसका फ्यूल टैंक क्या है? मतलब 40 लीटर है भाई यार, क्या फ्यूल टैंक है। और ये एक जरिकन वहां से लिया था। वो एक पेट्रोल पंप पड़ता है ना आखिरी, इतना तेल जरूरत पड़ती है क्या भाई इसमें लेके चलने की? बात क्या है कि यार मैं कम से कम वो 6-7 दिन उसी एरिया में रहने वाला हूँ, तो पेट्रोल पंप पड़ेगा फिर वो नाम भूल गया मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 600-700 किलोमीटर हो जाएंगे मेरे तो। अच्छा तो भाई अब मैं मेन इस पे आते हैं, ये गाड़ी कितने की पड़ी है आपको? ये 16 की भाई, एग्जैक्ट 16 लाख की आरजे रजिस्ट्रेशन के साथ। आरजे महंगी है ना थोड़ी। आपका कितना लगा है? मेरा 16 लाख एग्जैक्ट है। 16 लाख रुपए की पेट्रोल है, कौन सा वेरिएंट? जेट अल्फा है। अल्फा है मैनुअल। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब जब भी मैं रोड पे देखता हूँ ना इस जिमनी को, मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे क्यों लेते हैं इसको मेनली, तो मतलब छोटी सी है, थार क्यों नहीं इसकी जगह पे भाई? एक तो सामान रखने के लिए इसमें अच्छी खासी जगह है, और दूसरा मेरे को एक खिड़की वाला सीन बड़ा प्यारा लगा था। तो फर्स्ट गाड़ी फिर आपने 4x4 के पर्पस से यही सही समझी? और मैं फिर एक भाई है उनके पास गया था, मैंने थार चला के भी देखी। थार में यार मेरे को झूला बहुत ज्यादा ले रही है, बहुत ज्यादा झूला, ऐसी हिलती डुलती बहुत है। अच्छा तो एक तरीके से कंफर्ट है मतलब गाड़ी के अंदर? मैं थका नहीं हो रहा अभी तक इसमें। देखो ये है तो पतरा, थार को आप ऐसे टक टक करोगे इसको करेगी, ये भाई पता नहीं कौन सी घटिया सी क्वालिटी का, नॉर्मल सी गाड़ी में भी मारोगे ना तो इसके नुकसान हो जाएगा। ये देखो इधर आओ, मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। ये देखो मतलब ये हल्की पहले बोलने लगे हैं, ये हल्की पतली कहीं से लग गई ना ये, गड़र गड़र गड़। तो इतना टाइम ले लेंगे मारते वाले। और भाई ने अभी तक मुझे लगता है साइड में कोई बैठता ही नहीं लगता है भाई, आपने अभी तक ये भी नहीं उतारा। नहीं उतार रहे भाई, कोई नहीं। कोई बैठता ही नहीं साइड सीट पे आपकी पे। ये देख रहे अकेले, एकदम लोनलीनेस पसंद है भाई को। हाँ, वो वाला सीन है। अच्छा अब एक चीज पे और आते हैं भाई, मेरे जो ध्यान गया भाई की गाड़ी पे, ये 15 इंच के तो स्टॉक, तो आपने रिम तो डलवा रखे हैं, टायर्स अपग्रेड करवा लिया आपने? टायर्स को क्यों अपग्रेड करवाया भाई? भाई मेरे को देखा इतना आइडिया है नहीं गाड़ियों का, लोग बोलते हैं कि वो वाले ढंग के परफॉर्मेंस देते नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा नेट पे पढ़ा वड़ा, एक भाई है और उनके पास और जिमनी है, एक BRH एक्सपीडिशन करके है। उन्होंने जब नई नई जिम ली तो उन्हीं की वीडियो वायरल अच्छी खासी हुई थी। तो उनसे मिल माल के आया था उनका, देखा तो उन्होंने ये टायर रिकमेंड किए थे, और 15 इंच में कॉन्टिनेंटल डलवा लो, ऑल टेरेन। हाँ ऑल टेरेन। तो यार ये चीज मेरे को बतानी थी कि ना, देखो हमने भी अपनी रिसेंटली इसमें अपग्रेड करवाया ना, मतलब 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच तक आप बोलोगे आपको कंपनी के बढ़िया टायर मिल जाएंगे। देखना ऑल टेरेन है भाई, गिट्टी-विट्टी देखो कितनी मस्त लग रही है। लेकिन आप 1800 ऊपर जैसे ही गए ना फिर नहीं यहाँ पे, अब इनके साथ फुल कॉन्फिडेंस आता होगा भाई को, है ना? मेरे को सच में आइडिया नहीं यार ज्यादा, मेरे को लग रहा है कि अच्छे हैं, या एक तो इनकी मोटी गिट्टी है शायद इस कारण से वो फंसेंगे नहीं। हाँ ये ऑल टेरेन है, किसी भी टेरेन पे आप इसको स्मूथली चला सकते हो, मतलब स्पेसिफिकली होता है ना, एक तो हाईवे टेरेन हो गया, ऑल टेरेन हो गया, एक मड टेरेन हो गया। अभी जो आपने एंडेवर में देखा ये मड टेरेन था, तो ये मतलब ऐसे कीचड़-वीचड़ में ना कभी फंसेगा नहीं, ये फंस जाएगा ना आराम? नहीं नहीं मतलब नहीं फंसेगा, ये भी ऑल टेरेन हाईवे होता तो कहीं ना कहीं उसमें कैपेबिलिटीज गाड़ी की कम कर देता है वो। तो जब आप हाईवे पे चलाते हो तो आवाज आती है बहुत तेज? वो हाईवे के लिए है ही नहीं, आप 100 से ऊपर जैसे जाओगे ना आपको इतनी तेज इरिटेशन होगी अगर हमने पेट्रोल गाड़ी में लगा लिया। एक तो वो 3200 cc है, आवाज इतनी तेज करती है उसमें, हूं बहुत तेज गूंज बन जाती है भाई। ये तो आपको कोई नॉइज आपको पता ही नहीं चला होगा, कॉन्टिनेंटल ब्रांड बहुत बढ़िया टायर है भाई, भाई इसकी वो कैबिन नॉइज तो है यार, जैसे अगर खड़ी है ना तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा इंजन ऑन है नहीं है। लेकिन इसका RPM ज्यादा लेके चलती है ये। हाँ वो तो पेट्रोल भाई 1500 cc। अब आज मेन बात पे आ गए भाई, ये बताओ चलाने में कैसी है 100, मतलब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे शायद आपको इसका आइडिया नहीं हो, जैसे भाई इसमें 1.5 लीटर का इंजन जो मतलब ब्रेजा वाला है, ब्रेजा वाला है, एर्टिगा, इनकी सारी गाड़ियों में वही आता है सियाज, एक इकलौता इंजन, तो भागती भागती कैसी है भाई ये? भाई मान लो ओवरटेकिंग में तो कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, जैसे पापा का स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का भी मेरे को इससे ठीक लगता है यार पिकअप पकअप पुराने वाली है। भाई इतनी नॉलेज नहीं है मेरे को, सच्ची बताऊँ मेरे को ये चलाने में ठीक लगी, और पेट्रोल है मेरे को पेट्रोल ही चाहिए थी। फिर मैंने थार पेट्रोल देखा, दो ही ऑप्शन थी मेरे पास, इतना बजट भी नहीं था, तो थार से फिर मेरे को ये ठीक लगी। ठीक है यार चलो बढ़िया है, जैसे जिस बंदे का जैसे ट्रैवल वाला पर्पस हो ना उसके लिए बढ़िया है, मतलब डोर वोर खोल के जैसे आप भाई बहुत प्रैक्टिकल है। थार में यार बंदा दुखी हो जाता है बार बार सामान निकालना, और वो मैंने एक बार बाइक पे ट्रिप स्टार्ट की थी तो मेरे लिए बड़ा दुख था यार वो बाइक से सामान उतारना, इसमें पड़ा रहता है खिड़की खोल के सामान निकाल लिया आराम से बस
जो जो सामान चाहिए। और जैसे आप जेरी कैन लेके चल रहे हो तो उस हिसाब से माइलेज वाइलेज क्या दे देती है? माइलेज यार जो अभी तक भाई इसका जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है वो 12 के आसपास शो कर रहा है। 12 दे देती है ये। 12 शो कर रहा है, मेरे को पता नहीं 11 देती होगी शायद। सही है भाई, इस ज्यादा मतलब मुझे इस पे फिर तो बड़ा प्राउड फील होता है। गैस करना ये इतनी बड़ी सी कैसे कितनी की माइलेज देती होगी भाई ये जो आपके पीछे ये गाड़ी सी चल रही है इतनी बड़ी? 9 की 9-10 की। हाँ मतलब 8-9-10 की देती है। यार भी तो इतनी देती है डीजल वाली शायद। तो अब आप ये सोचो ना कि एक बड़ी गाड़ी का फन ले रहे हैं उस मतलब उसी फ्यूल में। हाँ पर कॉस्ट तो बराबर ही पड़ रही है। हाँ क्योंकि पेट्रोल है ये। हाँ इतनी महंगी पड़ जाती है। तो अभी जैसे 2 महीने आप चला रहे हो इस गाड़ी को। हाँ। संतुष्ट हो एज अ ट्रैवलर बताओ, एज अ ट्रैवलर का तो बड़ी प्यारी लग रही है यार कुछ चीजें। एक तो जैसे इसका सीट बेल्ट वाला लफड़ा पता है क्या आपको? बताना, आ जाओ एक बार अंदर ही बैठ के बातें करते हैं भाई आराम से। भाई यहीं पे एक ही बंदा बैठ पाएगा। अच्छा पूरा माल वाल भाई, ये भाई का क्वालिटी कंटेंट बनाने के पूरे औजार। इतने कैमरे हैं भाई? अरे दो, एक इधर लगा तो एक इधर, दो ही और कोई नहीं है। फिर भी यार वेरी, ड्रोन भी लगता है मेरे ख्याल से। हां ये ड्रोन है भाई। भाई पूरा प्रोफेशनलिज्म ये होता है भाई। ये गियर कैसा लगता है भाई? गियर उस सीट बेल्ट पाएंगे? बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब कि बहुत ही स्मूथ है भाई। समझ गए ना? मतलब मैं भाई बैक गियर है ना, यू मान लो अगर आप थोड़ी हाइट पे खड़े हो और आपको करना है तो कम से कम 4 ट्राई के बिना गियर नहीं लगेगा आपका बैक गियर तो। खट 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 खट, थोड़ा आप क्लच छोड़ोगे थोड़ी गाड़ी पीछे जाएगी तब जाके वो गिरारियां भिड़ती हैं इसकी। इसका क्या सीन है ना भाई, इसमें वो नॉर्मल बलिनो फलिनो ब्रेजा जैसा वो नहीं है इसमें। ये देखो कितना हिल रहा है जैसे पता नहीं कौन सी कोई भाई। जैसे मंदिर टाइम में स्कॉर्पियो आती थी ना क्लासिक आप पे हैवी, जैसे वो हिलती है ना, या फिर इनोवा हो गई पुरानी फॉर्च्यूनर हो गई, उनमें ये वाला सीन रहता है ऐसे हिलने का। ये मारुति वाले अरे आपके बात तो सही लग गया। नमस्ते जी कैसे हैं आप? ये क्या बोलते हैं नमस्ते जी कैसे? अरे मैंने ऐसे ही फीड किया। अच्छा इसमें आप अपने कस्टमाइज कर सकते हो ये सारी चीजें भाई, बहुत बढ़िया। और कंफर्ट वाइज कैसा है भाई इतना सामान लोड करने के बाद? कंफर्ट सही है, कंफर्ट मेरे को दिक्कत नहीं लगी एकदम। कितना लंबा ट्रैवल कर सकते हो? हर जो इशू बता रहा था जैसे अपने इनमें वो सेंसर लगे रहते हैं ना। हां पीछे वाले में सेंसर नहीं है। हाँ। पीछे वाला अगर कोई बंदा बैठा हो चाहे ना बैठा हो आपको सीट बेल्ट लगा के रखने पड़ेंगे वरना टू 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 करती रहती है। नहीं 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 ऐसे नहीं रहता भाई, इसमें सामान रखा है ना आपने। ना बिना सामान के भी? बिना सामान के भी? बिना सामान के भी टू टू करती रहेगी, आपको सीट बेल्ट परमानेंट लगा के रखने पड़ेंगे, वो सेंसर ही नहीं लगा रखा उन्होंने। मतलब आपने ये चीज दिखाई है तो बड़ी कंप्लेंट मतलब मेजर वो है भाई। ये तो है कन्फर्म है ये। अच्छा जी आप किसी भी जिमनी वाले को देख लेना या तो उन्होंने वो आते हैं ना सीट बेल्ट के लिए जैसे वो भी गडकरी जी ने बैन कर दिए ये बंदे लगा के रखते हैं ना। हाँ मैं समझ गया ये जो होते हैं नकली। हाँ ये यहाँ पे चिपका देंगे। हाँ, तो, हाँ। तो या तो बंदे पीछे वो लगा के रखते हैं वरना सीट बेल्ट लगा के। कोई जिमनी वाला देख लेना कोई भी, हर जिमनी में ये है कि उन्होंने पीछे सेंसर ही नहीं लगाए, आपको परमानेंट सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। अच्छा जी भाई ये तो मोटा रोग है। और इसका 4x4 कभी ट्राई मारा है भाई? ऐसे मारा है पर ऐसे हार्श वाला नहीं मारा है। और भाई बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी लगती है? मतलब मारुति पे ट्रस्ट आ जाता है कि बहुत हैवी हो रहा है? बाकी जो मारुति वाली गाड़ी है उनसे तो ठीक है पर यार बाकी उसे कंपेयर नहीं कर सकते। और भाई 1.5-2 लाख सस्ती होनी चाहिए थी कम से कम। हाँ यार 2 लाख तो मिनिमम सस्ती होनी, ये तो सब कहते हैं लेकिन फिर भी ले रहे हैं ना लोग। जैसे आपने ली ना यार मेरे को ये प्रैक्टिकल है ये बात, इसकी बहुत बड़ी चीज लगती है मेरे को। मारुति वाले पता नहीं किस घमंड में जी रहे हैं इस गाड़ी को देख के, कोई कह नहीं सकता 16 लाख। ये गाड़ी फ्लॉप है इंडिया में मेरे हिसाब से, पहाड़ों के अलावा मैंने नीचे तो कहीं देखी नहीं है। अच्छी खासी दिख रही है। हाँ वही तो। और पहाड़ वाले भी ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो ठीक है, इसकी रियल टेस्टिंग विंटर में होगी। तो वे विंटर में जो पहाड़ वाले बंदे बताएंगे जैसे आपके लोग में तेल भराएगा वहाँ पे देखे होंगे। उनके पास 2-3 बंदे मिले तो कह रहे थे यार हमारी असली टेस्टिंग होगी सर्दियों में। अगर सर्दियों में ये गाड़ी पास हो गई फिर तो पास है, पास है वरना। एक बात, गाड़ी है अच्छी क्योंकि इसका क्रेज इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा है यार। हाँ बता रहा था हमने न्यूजीलैंड में चलाई थी, न्यूजीलैंड में चलाई थी और जनता क्रेजी है भाई इसके पीछे। पर इंडिया में वो वाला वो वर्जन लॉन्च करना चाहिए था इसके इसके लिए क्रेजी है जो 2 डोर वहाँ तो 3 डोर आती है ना। थ्री ये बीच वाले नहीं है ये भाई एस, ये या तो किसी को पसंद आ गई लव इट और हेट इट वाला डिजाइन है। अब जैसे भाई का बिल्ड बहुत तगड़ा है भाई, एक बार खड़े होना एक साइड में एक बार खड़े होना ये देखना आप भाई भी इससे ऊंचे हैं यार। पर वो है भाई मतलब जिनको छोटी गाड़ी चाहिए ना जैसे सेकेंडरी कार वगैरह चाहिए उसके मामले में तो भाई नहीं यार ये जैसे थार प्राइमरी नहीं बन सकते ना। हाँ। इसको मान दो ये प्राइमरी बन सकती है बंदे की, बन सकती है मेरे को लगता है। अच्छा। एक हाँ इसका साइज थोड़ा छोटा होने का बड़ा फायदा है यार। हाँ, कहीं भी निकाल दो निकाल भाई ये बड़ी इस मामले में बड़ी प्यारी है, ऐसे ऐसे करके कहीं से निकल जाती है। और पर एक और चीज है भाई मारुति के बारे में, एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ मुझे क्या लगती है ना। हाँ, जैसे महिंद्रा महिंद्रा की कोई नई गाड़ी आती है ना उसमें बड़ी दिक्कत आती है फर्स्ट लॉट में। एक ये वाला रीजन भी था यार। हाँ, बहुत सारे बंदों ने मुझे बताया था, अब पता नहीं क्या सही है गलत है। हाँ, और
महिंद्रा की गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई बहुत, मतलब कि पता नहीं कब हाँ। कोई वो टेक्निकल ग्लिच आ गया, ऐसे खड़ी हुई बहुत देखी है, आता रहता है भाई। और मारुति में लोग बोलते हैं कि कुछ भी बनाए लेकिन रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। आप देख रहे हो खराब हुई तो कोई भी बंदा ठीक कर सकता है इसको। हाँ। अब जैसे हमने कभी सुना ही नहीं फर्स्ट लोड की गाड़ियों में कोई मेजर इशू आ रहा हो जिम्नी में, कुछ आते ही नहीं किसी को, अपना चलाया जाओ। इतने इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसमें, कहाँ से इशू आएंगे। ये भी है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, सिंपल सोबर गाड़ी है। अच्छा ये इन्होंने ना बड़ा ऐसे फर्स्ट इन सेगमेंट कुछ काम के नहीं है भाई, मेरे को तो आज ये इन्होंने मतलब वही है थोड़ा सा फीचर दिखना चाहिए। हाथ धो लो, हाथ अच्छे धोते हैं भाई, मान लो खाना वाना खा के ऑन कर दिया ना कोई बंदा, पर उसके लिए कोई बंदा चाहिए। हाँ हाँ वो दबाए रखे और दूसरा बंदा हाथ धो ले इसमें, प्रेशर बड़ा प्यारा आता है। ट्रैवलर वालों के लिए बहुत अच्छा है हाथ हाथ धोने के लिए, ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। तो फुली सेटिस्फाइड अभी तक भाई जिम्नी लेके? हाँ दो तीन, एक तो ये सीट बेल्ट वाला इशू है, ये बड़ा खटकता है वो, तो वो लगा दो तो ठीक है, जुड़ा वो अब है नहीं यार मेरे पास, और अब सामान रखा हो तो सीट बेल्ट लगा करती करती है, तो एक डेढ़ मिनट तो टू टू करती रहेगी, तो गुस्सा आता है बार बार, चाहे आपको पहले से पता हो कि हाँ भाई गाड़ी में इश्यू आएगा। हाँ। लेकिन यार अब गुस्सा आएगा तो आएगा भाई, कंट्रोल थोड़ी कर लेंगे। अच्छा जी, तो बाकी 16 लाख में ठीक लगती है गाड़ी की? चलो ओके, थोड़ी महंगी है पर हाँ। बजट मेरा यही था, मेरे को प्रैक्टिकलिटी में चाहिए थी, था मेरे दो ही ऑप्शन थी तो फिर ठीक। हाँ और एक और इशू था, हाँ। थार पेट्रोल की आपकी वीडियो देखी थी शायद मैंने, हाँ। आपने एवरेज बताई थी थार पेट्रोल के 8 के आसपास, 8-9 के आसपास, यार उससे तो ये ठीक है। तो भाई उसका इंजन 150 एक और रीजन था ये। हाँ। भाई प्रैक्टिकलिटी तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी इसकी। हाँ। भाई आप पर देखो टोरा नहीं है इस गाड़ी का। हाँ, ये भाई तो टेम्पू के पीछे छिप जाती है, टेम्पू चल रहा हो ना उसके पीछे छिप जाएगी है। चलो दीपांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतने अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। भाइयों को बहुत हेल्प करती है ऐसी वीडियोस भाई गाड़ी चुनने में। भाई मैं तो ये कहूंगा अगर प्रैक्टिकल, अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए ना, अगर आपको लंबी ट्रिप करनी है, कंफर्ट मेरे को इसमें ज्यादा लगा, बट ट्रैवलर्स ओरिएंटेड उस पर्पस से आप बता रहे भाई अगर। हाँ भाई झटक वो टोरा मारना है भाई, रोब जमानी है तो वाली चीज में तो ऐसे लगेगी आप बच्ची सी कोई गाड़ी लेके चल रहे हो, कोई हवाबाजी नहीं है, हवाबाजों के लिए नहीं है ये गाड़ी, उसमें तो थार ही जमते तगड़े, अलो डलवा लो और बस छुट्टी। चलो ना भी डलवा तो भी यार झटका लगता है कि भाई कोई झोटा सा आ रहा है। हाँ ये तो लगती है भाई, पता नहीं क्या, मैं ये पार्टी लगती है, पार्टी पता है पार्टी पड्डी नहीं, अरे अच्छा भैंस की बेटी। ठीक है भाई ओके जी। चलो भाई ये थी भाई पूरा जिम्नी का ओनरशिप एक्सपीरियंस दीपांशु भाई का, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।